यूपी पंचायत चुनाव में योगी सरकार के गले की फांस बनी गोरखपुर जिले की प्रधान पद की सीट पर आरक्षण को लेकर दायर याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसे योगी सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर के तौर पर माना जा रहा है। दरअसल गोरखपुर जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति न होने के बावजूद वहाँ की प्रधान पद की सीट आरक्षित कर दी गई थी, जिसके खिलाफ याचिका भी दायर की गई। लेकिन जब कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से आपत्ति की गई तो हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। बता दें, राज्य चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी थी और कानून के अनुच्छेद 243 के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायालय को चुनाव में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने इस बात को मानते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर छुट्टी होने के बावजूद भी शुक्रवार को स्पेशल कोर्ट बैठी और याचिका की सुनवाई हुई। याचिका में वादी पक्ष के द्वारा ये दलील दी गई कि गोरखपुर जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति नहीं है, इसके बावजूद सरकार ने कई सीटों को आरक्षित घोषित किया है। इसे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए जानकारी मंगवाकर आरक्षण सीटों को रद्द कर दिया जाए, जिससे याचिका दायर करने वाले लोग चुनाव लड़ सकें। लेकिन इसे कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जो यूपी सरकार के लिए बड़े राहत की खबर है।